जब एक सालिक राह हक मकाम तवक्कुल पर फाइज हो जाता है, तवक्कुल के मकाम पे, तवक्कुल का मकाम कब आता है? मकाम सब्र के बाद, मकाम शुक्र के बाद। तो परवरदिगार उसको ये इख्तियारात दे देता है कि दावत जुलाशीरा में सबको बुलाए, एक आदमी का खाना 40 आदमी खाते चले। ये मकाम तवक्कुल है। एक जुमला याद रखिएगा, मकाम कनाअत यह है कि तुम्हारा हाथ किसी के सामने नहीं फैलाने देगा परवरदिगार, और मकाम तवक्कुल यह है कि तुम्हारे सामने जितने हाथ फैलेंगे वो भी भरते चले जाएंगे। कहां मकाम कनाअत, कहां मकाम तवक्कुल। मकाम तवक्कुल यह कि लश्कर का लश्कर प्यासा है, पैगंबर ने दस्ते मुबारक की उंगलियां यूं फैलाई और कहा तश्त में रखो, कुछ पानी है किसी मश्क में? कहा चंद कतरे। कहा वो कतरे डाल दो। अपना दस्ते मुबारक रख दिया। जमजम से सैराब होने वालों, जमजम वो है जो एक नबी की एड़ियों के रगड़ने से फूटा है, और पैगंबर तुम्हारा वो है जो जहां हाथ रख दे उसकी उंगलियों के दरमियान से कौसर फूटना शुरू हो जाता फव्वारे की तरह। कहाँ मकाम कनाअत, कहाँ मकाम तवक्कुल। बीच में आते हैं मकामात सब्र और मकामात शुक्र, वो भी एक मकाम नहीं, मकामात सब्र मकामात शुक्र। हर मकाम अपनी जगह ज़ात मरातिब है, बहुत से मरतबे। ये जो मकाम है मकाम तवक्कुल, मैंने अर्ज़ किया कि ये ज़ाहरी असबाब पर भरोसा ही नहीं करता, ये सिर्फ मुसब्बिबुल असबाब पर भरोसा करता है। अब फिर एक बार टेक्निकली वाजह कर दूं कि मकाम कनाअत और मकाम तवक्कुल में क्या फ़र्क है। मकाम कनाअत ये है कि मुयस्सर असबाब पर भरोसा रखो, मकाम तवक्कुल ये है कि असबाब तो हैं ही नहीं, बस मुसब्बिबुल असबाब पर भरोसा रखो। जो मकाम तवक्कुल पर होता है वो घर में हो, मैदान में हो, सुलह के मकाम पर हो, जंग के मकाम पर हो, वो जाहिरी असबाब नहीं देखता, वो सिर्फ मुसब्बिबुल असबाब की मशीयत देखता है। न हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह के मकाम पे जाहिरी असबाब को देखा, न हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिहाद के मैदान में जाहिरी असबाब को देखा। अवाम उन्नास के लिए तफसीर अलग होती है, जिसका जो मकाम हो उसको उस मकाम से जवाब दे दिया जाता है। ये मकाम मारिफत में बात आ गई है आज। अब सुलह इमाम हसन को दूसरे जाविये से देखिएगा, अब जंग करबला को दूसरे जाविये से देखिएगा। वो मुअर्रिख, वो मुहक्किक, वो रिसर्चर, बहुत से मुहक्किक तो अब ऐसे हैं ये लफ्ज़ मुहक्किक का सही तलफ़ुज़ भी नहीं कर पाते, मुहक्किक कहते हैं। और मुहक्किक किसे कहते हैं उसके मानी भी डिक्शनरी में देख लीजिएगा। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। मैं कभी कभी जानबूझ के तंज करता हूँ। क्यों तंज करता हूँ?
आखिर तंज का हुनर अल्लाह ने इंसान की फितरत में पैदा क्यों किया है? कहीं तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तंज का हुनर इसलिए पैदा किया गया ताकि जाहिल मुरक्कब को एहसास दिला दिया जाए उसके जहल का। गोया ये भी तरबियत का एक हिस्सा है। जब मैं तंज करूं इसे दुश्मनी ना समझना, तालीम समझना, तरबियत समझना। बहुत से लोग दानिश्वर और मुहक्किके कुरान और सीरत बने हुए हैं, मगर वो पहले हमारे यहाँ जबान के ताल्लुक से कहा जाता था भाई फलां का तो शीन काफ ही दुरुस्त नहीं है। अब मैं कहता हूँ भाई फलां का तो काफ सीन भी दुरुस्त नहीं है, कुरान और सीरत से क्या ताल्लुक होगा इनका? न कुरान काफ कुरान से ताल्लुक रखता है, सीन सीरत से, न सीन दुरुस्त है न काफ। और अल्लामा कुरान और सीरत हैं, उम्मत को गुमराह कर रहे हैं, उम्मत को गुमराह कर रहे हैं। खौफ खुदा नहीं है, क्या अजब नशे खुदी है। ऐसा नशे खुदी में डूबे हुए हैं कि खुदा भूले हुए हैं। समझें कि मकामात कुरान ने जहां से गुफ्तगू, अब इस आयत को देखिए ना, वलकद अरसलना मूसा बे आयातना, क्या जाहो जलाल है। हमने भेजा, हमने अरसल तो नहीं, अरसलना, एक ते की जगह नून अलिफ आ गया, इसमें कहां से कहां कयामतें बर्पा हो गई। परवरदिगार अपने तमाम सिफात कमाल, सिफात जलाल, सिफात जमाल को मुलाहजे में रखते हुए और मुलाहजे में लाते हुए इरशाद फरमा रहा है अपनी तमाम तर आजमतों के इजहार के साथ, मैंने नहीं भेजा, हमने भेजा। वल्लकद अरसलना, हमने भेजा मूसा को बे आयात ना, अपनी निशानियों के साथ। किस लिए भेजा? अनखरिज कौमका मिन अज़्ज़ुलुमात इला नूर, के तुम अपनी कौम को जुल्मतों से नूर की तरफ निकालो। फिर वज़क्किरहुम बे अय्यामिल्लाह, और उन्हें याद दिलाओ अय्यामुल्लाह को, उन्हें याद दिलाओ अल्लाह के नेमतों को, उन्हें याद दिलाओ अल्लाह के अजाबों को, उन्हें याद दिलाओ अल्लाह की निशानियों को। और इसमें, इसमें से मुराद क्या है? याद दहानी में, इस याद दहानी में याद दहानी करा कौन रहा है? अल्लाह का फरिश्तादा। अल्लाह के फरिश्तादा शख्स की अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मशीयत के मुताबिक याद दहानी के तरीक़े में भी आयतें पोशीदा होती हैं। उसके तर्ज़ अमल में निशानियाँ और इबरतें मौजूद होती हैं। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन, आयात दर आयात, आयात दर आयात, आयात माफोक आयात, आयात से बढ़कर आयात, आयात से बरतर आयात। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल सब्बार इन शकूर, किसके लिए निशानियां हैं? हर खूब सब्र करने वाले के लिए, हर खूब शुक्र करने वाले के लिए। कौन बताएगा कि खूब सब्र क्या होता है?